तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। रेलवे NTPC एग्जाम CBT फर्स्ट के रिजल्ट पर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट RRB NTPC के छात्रों के लिए आ चुकी है। भर्ती बोर्ड ने अभी महत्वपूर्ण अपडेट जारी कर दिया है कि शिफ्ट में सबसे ज़्यादा जो है नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है और 30 से 40 नंबर अगर आ रहे हैं कि आपका किसी शिफ्टों किसी जोन पर सिलेक्शन हो सकता है। अटेंडेंस कितनी रही है RTI रिप्लाई और इन जोनों में जो है कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सभी के आंसर। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के ठीक नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले ताकि आगे से अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है आप सभी के RRB NTPC एग्ज़ाम के CBT फर्स्ट रिजल्ट पर CBT 2 के एग्ज़ाम डेट पर तो आप सभी तक सबसे पहले और बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचा दी जा सके। जैसा कि आपको पता ही होगा कि फाइनल आंसर की आना है, ठीक है। फाइनल आंसर की में आप लोगों के जो बड़े हुए मार्क्स हैं वो पता चल जाने हैं, ठीक है। फाइनल आंसर की में ये होता है जो क्वेश्चन आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किए होते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर अगर आपका ऑब्जेक्शन सही है, ठीक है, तो आपको तो नंबर मिलते ही मिलते हैं बल्कि सभी छात्रों को उन क्वेश्चनों में नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात हम और एक कर लेते हैं कि अगर आप लोग CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं। ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर हम लोग जो है CBT 2 की तैयारी पूरी करवा रहे हैं, फ्री तैयारी करवा रहे हैं। CBT 2 की अगर आपको तैयारी करनी है स्टैटिक जीके की या GS की, ठीक है, GS की और करंट अफेयर्स की, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर निर्भर हो सकते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी कंटेंट जो है प्रोवाइड करा दिया है और हमारे जितने भी छात्र हैं जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो भी आप लोग हमारे टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं। काफ़ी कुछ कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा और हमने नोट्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं, ठीक है। लगभग हर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, ट्रिक्स के साथ यहाँ पर आपको सभी जो है नोट्स प्रोवाइड कराए गए, तो इनका लाभ आप लोग भी ले लीजिए, ठीक है। वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा तो हम लोग लिंक डाल देंगे, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा सरकारी जॉब विदर्भ है। 10,600 ज़्यादा छात्र अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं, आप लोगों को भी ज्वाइन होना है। सभी छात्र जानना चाहते हैं कि RRB भर्ती बोर्ड का जो CBT फर्स्ट का रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा, क्योंकि जब ही से CBT जॉब का फर्स्ट कंडक्ट हो चुका है सफलतापूर्वक तभी से यहाँ पर छात्र आस लगा रहे थे कि जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा डिले ना हो तो ही सही, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में 2 साल से ऊपर हो चुका था, ठीक है। और इस बार अगर रिज़ल्ट डिले होता तो छात्रों से समझिए कि रहा नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट पर RRB भर्ती बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है भर्ती बोर्ड की तरफ से। रिज़ल्ट आप लोगों का इसी मंथ यानी कि सितंबर मंथ में ही आप लोगों का ऑफिशियल साइट पर डिक्लेयर होने वाला है, ठीक है। आपको बता दें फाइनल जो आंसर की है ये आपकी 15 सितंबर 2021 तक की आपको ऑफिशियल साइट RRBCDG.gov.in पर मिल सकती है, ठीक है। तो CBT फर्स्ट का रिज़ल्ट जो है आप लोगों का ये समझे कि क्लियर होता हुआ आप सभी लोगों को CBT फर्स्ट का रिज़ल्ट इसी मंथ यानी कि सितंबर मंथ में ही देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट, आप लोगों का जो एक क्यूरियोसिटी थी कि यहाँ पे रिज़ल्ट कब आएगा और मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कितने अंक आएंगे, मैंने कैसा प्रदर्शन किया, ये पूरा जो फाइनल है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका CBT जो फर्स्ट का रिज़ल्ट है ये 15 सितंबर तक आपका फाइनल आंसर की, जबकि आपको इसी मंथ यानी कि 28 सितंबर तक आप लोग मान सकते हैं रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन था कि CBT फर्स्ट में आखिर कितने कम से कम अंक लाने ही होंगे जिससे हम अपना जो है सिलेक्शन तय समझें, ठीक है, आगे की तैयारी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 55+ जितने भी हमारे जोन हैं सभी में अगर आपके 55+ तक आ रहे हैं तो आप लोग क्या सेफ जोन में आते हैं, ठीक है, ठीक है, सेफ जोन में आते हैं, सुरक्षित स्थिति है आपकी और आप लोग आराम से अभी CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। 55+ अंक बहुत ही सही अंक माने जा सकते हैं और इस पर इन अंकों पर आपका लगभग सभी जोनों पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जितने भी हमारे इलाहाबाद के, मालडा के, गोवा के और जम्मू के जोन हैं सभी जोनों में 55+ में आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो CBT फर्स्ट में अगर आप लोगों को क्वालिफाई करना है तो 55+ तक आराम से आपको स्कोर अचीव करना ही करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने अंक बढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर होता है कि किसी भी छात्र को कितने भी अंक मिल सकते हैं, ठीक है, बशर्ते उसकी जो शिफ्ट है वो हार्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आप लोगों के 20 से 50 भी हो सकते हैं, ठीक है, 30 से 60 भी हो सकते हैं, मतलब कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पिछली बार जैसा कि आपको पता होगा NTPC का जो पेपर था
जो NTPC का पेपर था जिसके बाद रिजल्ट निकला था 18,000 वैकेंसीज का, तो वहाँ पे आप लोगों को बता दें यहाँ पे 30-30, 40-40 नंबर बढ़े थे छात्रों के, ठीक है, ड्यू टू हार्ड शिफ्ट। उनका जो पेपर लगा हुआ था काफ़ी हार्ड था और उनको हार्ड शिफ्ट में पेपर जब देने का मौका मिला तो उनके अटैम्प्ट भी कम हुए, नंबर भी कम हुए, जिसके कारण से उनको जो है कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर आपको जो है नॉमिनेशन के अंक मिले। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस बार, क्योंकि नॉमिनेशन का फॉर्मूला बदल चुका है, तो इस बार कम मैक्सिमम जो है आप लोगों को 25 अंक तक मिल सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एवरेज लेके चलें तो 15 अंक तक सभी छात्रों को दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो नॉमिनेशन में जो है मैक्सिमम आपको 25 नंबर और जो आपका, ठीक है, मिनिमम है वो आप लोगों को ऑनलाइन एवरेज मान के चलें तो 15 अंक तक मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉमिनेशन का फॉर्मूला हो गया आपका। अगला क्वेश्चन बनता है कि अटेंडेंस कितनी रही, ठीक है। तो आपको बता दें NTPC एग्ज़ाम में इस बार जो अटेंडेंस है काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण फैक्टर निभाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अटेंडेंस होगी उतने ही छात्रों से आपका जो होगा कंपटीशन होगा, ठीक है, उतने ही छात्रों से आपका कंपटीशन होगा और आप लोगों की जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा जाएगी। तो ऐसे में आप लोगों को पता होगा कि कंपटीशन जो है आप लोगों को काफ़ी कम हुआ था ड्यू टू COVID-19। आप सभी लोगों का जो कंपटीशन है वो कोविड के कारण छात्रों की अटेंडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी, ठीक है, काफ़ी गिर चुकी थी। 63% तक जो है अटेंडेंस रहने के अनुमान लग रहे हैं, जिससे आप लोगों का ये आप लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा कि आप सभी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। जैसे कि हमारे जितने भी जोन्स हैं, जैसे कि इलाहाबाद जोन हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, तो इन सभी जोनों में जो कट ऑफ रहती है, ठीक है, वो उससे आप लोगों को कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। और एक कट ऑफ कम करने का फैक्टर ये भी होगा कि 8 लाख छात्र जो होंगे, 8 लाख ये आप लोगों का CBT फर्स्ट को क्वालिफाई करके CBT 2 में जाएंगे, ठीक है। तो 8 लाख छात्र CBT फर्स्ट को क्वालिफाई करके CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। तो ऐसे में आप सभी लोगों का अटेंडेंस कम रही, कट ऑफ जो है आप लोगों का कम रहने वाला है। 8 लाख छात्र पास होंगे CBT फर्स्ट में, इसलिए भी कट ऑफ कम रहने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए आज की वीडियो होंगी, ठीक है। CBT 2 की तैयारी आप लोग आराम से स्टार्ट कर सकते हैं बिना कुछ सोच समझे, अगर आप लोगों के इतने सारे जो हैं सब सही हो रहे हैं, ठीक है। CBT फर्स्ट में आपके 55+ तक अगर आ रहे हैं तो आप लोग इलाहाबाद जोन जैसे जोनों को टारगेट करके अपना CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों का जो अटेंडेंस का फैक्टर भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है आपके कट ऑफ को डिक्रीज करने में। अगला क्वेश्चन था कि कितने बच्चों को जो है सिलेक्ट किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया मैक्सिमम जो है 8 लाख छात्रों को जो है इस बार पास करने की उम्मीद की जा रही है। 8 लाख छात्र जो है CBT फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे, तो ऐसे में आप सभी का जो कंपटीशन होगा काफ़ी ज़्यादा गिरेगा, ठीक है। तो 8 लाख छात्र जो है इन्हीं छात्रों को सिलेक्ट किया जाएगा CBT फर्स्ट के। और ये आप लोग मान के चलें कि CBT जो फर्स्ट होगा इसका रिजल्ट जो होगा ये आपकी स्क्रीनिंग होगी, मेन टेस्ट है CBT 2 होगा। इसीलिए हम छात्रों से बार बार कह रहे हैं कि CBT 2 पर फोकस करें, क्योंकि CBT 2 में अगर आप लोगों को क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम में, एक गवर्नमेंट जॉब लेना है NTPC का, तो आपको CBT 2 पे फोकस करना होगा। CBT 2 में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने होंगे, CBT फर्स्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो आप लोगों के ये कुछ डेटा थे जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएंगे, और इससे रिलेटेड और भी आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे।